स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, आज एक बात आपको कहता हूँ, अगर हासिल करना है आपको कुछ तो बस लगे रहो। इधर उधर देखना शुरू किए तो गिर जाओगे। आई होप आप समझ गए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका वीडियो मैं बहुत दिन पहले बनाने वाला था, तो बहुत सारे अभी क्योंकि लास्ट डेट आ रहा है इसलिए मैंने बहुत सारे भाई बहन मेरे को कह रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए सर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा, ये टेंशन में हूँ कि वैकेंसी कम है, यूपी में वैकेंसी कम है, नॉर्थ ईस्ट में वैकेंसी कम है, बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी कम है, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों देखो, मैं एक सिंपल आपको बात बताता हूँ। देखो वैकेंसी कम है, आप ये सोचोगे कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, देखो वो तो कहाँ नहीं जा सकता, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है वैकेंसी अगर 50 था और वैकेंसी 10 हो गया, कट ऑफ सेम ही रहा है, वो डिपेंड करता है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन में ना रहे, अगर वैकेंसी 10 भी है ना, 10 भी है, अगर आपका दिल नहीं मानता बाहर जाने को तो मत जाना। बाहर जाओगे ना आप क्या कर रहे हो ना, अपने आप को थोड़ा रिस्क में डाल रहे हो। एक तो खर्चा बहुत होगा आपका, अलग बात है वो आपके मैटर है आप खर्चा करें, लेकिन एक होता है एक टेंशन हो जाता है आपका। तो देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में मान लो कोई जगह नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी कम वैकेंसी है, और लेकिन आपका दिल यही कह रहा है कि वहीं पर अप्लाई करूँ, तो करो। एक ही बात याद रखना, मेहनत करो बस, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 101% क्लियर होगा। तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहो, जहाँ से फिलअप करना है कीजिए, जो आपका दिल कहे कीजिए। ठीक है, तो ये चक्कर में ना रहे कि यहाँ से फिलअप करूँगा तो इतना कट ऑफ चला जाएगा, यहाँ से फिलअप करूँगा तो इतना कट ऑफ चला जाएगा। ऐसा भी देखने को आया है बहुत सारे कैंडिडेट, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो स्टेट से बिलोंग करते थे, सर मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, वो दूसरे स्टेट में गए एग्ज़ाम देने, क्या हुआ कि उसके खुद के स्टेट का कट ऑफ लो गया। तो इसलिए कहता हूँ जहाँ से हो अप्लाई करो, और आप ये कन्फ्यूजन में मत रहो, आप ज़्यादा मत सोचो, टाइम वेस्ट होगा आपका, आप बस अप्लाई कर दो, जो भी स्टेट से आपको दिल करे अप्लाई कर दो। और मैं तो गाइड करने के लिए हूँ, आप लोगों से कॉल में भी समझाया हूँ, आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट को मेल में समझाया हूँ कि आपने पूछा राय लिया, मैंने बता दिया यहाँ से फिलअप कर दो, करना है कर दो, ज़्यादा सोचो मत, बस प्रिपरेशन में लग जाओ। देखो क्लियर, और एक बात आपको फैक्ट बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है कुछ कि कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में ना आपका जो मेंस का कट ऑफ होता है ना, स्पेशली जनरल का, ऑन एवरेज सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कहीं 4 वैकेंसी है या कहीं 2 वैकेंसी या कहीं 3 वैकेंसी है या कहीं 10 वैकेंसी है, ऑन एवरेज जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, आप जाके प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हो मेंस की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं ये कहाँ हूँ। तो आप लोग ज़्यादा ना सोचें, आप लोग जहाँ से हो आप बस फिलअप कर दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, एक राय लो, एक डिसीजन लो कि यहाँ से फिलअप करना है, बस मेहनत करो, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, कट ऑफ जितना भी जाए आप मेहनत करोगे ना क्लियर होगा। ठीक है, तो बस मेहनत पे यकीन रखो और ऊपर वाला आपके साथ है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, और अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर शेयर करना। तो होप सो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।